तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। इसका बैटर कुछ ऐसा बनेगा। बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि बच्चों की डिमांड में बनाए। तो बच्चों ये बना है तुम्हारे लिए। बच्चे भी कह रहे हैं ये पिज़्ज़ा नहीं है, चिली फ्लेक्स। तो देखते हैं कैसा लगता है। तमीज कहेंगी इतना बड़ा खा गई। सो गाइस ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों का स्वागत है मम्मा के चैनल में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार सुबह इतने गर्मी में पसीने में क्यों। तो मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्दी पिज़्ज़ा, क्योंकि बाहर का पिज़्ज़ा तो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज पिज़्ज़ा बच्चों के लिए, बट ये हेल्दी पिज़्ज़ा है। सो बाहर का पिज़्ज़ा क्या है कि मैदे का होता है। तो मैं बना रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी है बच्चों के लिए। इसमें डलती है सूजी और वेजिटेबल्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका बैटर कैसे था। इसका बैटर कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें मैंने इसमें मिक्स किया है मलाई, सूजी, वेजिटेबल्स जो जो आप डाल सके, जो आपके बच्चे खाते हों, और काली मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च तो बच्चों के लिए अच्छी नहीं रहती, काली मिर्च और स्वाद अनुसार नमक। तो ऐसा बना के इसका क्या है पेस्ट लगाएंगे हम ऐसे। इसका बैटर कुछ ऐसे लगाएंगे हम एक तरफ ब्रेड के एक पार्ट पे। उसके बाद इसको जो नीचे का पार्ट है ना, पहले वो पार्ट सेकेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा। तो दिख रहा है ना कुछ यम्मी यम्मी। तो ये मैंने बनाया है, अभी मैं सर्व करके दिखाऊंगी कितना यम्मी दिखेगा। मैंने बना ही दिया फाइनली ये, और बच्चे हो गए बहुत ज़्यादा खुश क्योंकि बच्चों की डिमांड में बनाया। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि मम्मा आप कुछ नहीं खिला रहे हो, कुछ नहीं खिला रहे हो। तो बाहर का खिलाने से अच्छा घर में कुछ बना दिया। वैसे भी हेल्दी है, इसमें वेजिटेबल्स है तो कुछ बुरा नहीं है। बच्चे भी खुश और बॉडी में कुछ वेजिटेबल्स भी जाएंगे उनके। तो देते हैं बच्चों को। तो बच्चों ये बना है तुम्हारे लिए, तुम्हारे डिमांड पे। कल से तुम परेशान कर रहे थे हमारे लिए बनाओ ब्रेड पिज़्ज़ा, ब्रेड पिज़्ज़ा। तो कैसा लग रहा है पिज़्ज़ा? अच्छा है कि बहुत अच्छा? यू भी सच में अच्छा हो रहा है। अब बच्चे बोल रहे हैं खाने तो दो। चलो खाओ, इन्जॉय योर पिज़्ज़ा। बच्चे खा रहे हैं पिज़्ज़ा। बच्चों को दिया धोखा, ब्रेड पिज़्ज़ा। बच्चे भी कह रहे हैं ये पिज़्ज़ा नहीं है, ये ब्रेड पिज़्ज़ा भी। वो भी जानते हैं कि पिज़्ज़ा क्या होता है, ब्रेड पिज़्ज़ा क्या है। ठीक है, बाहर से तो अच्छा ही है, खिलाते हैं बच्चों को। आप बताओ अच्छे से, क्योंकि ये तो छोटे तो बता नहीं पाएंगे। आप बताओ कैसा हो रहा है? बहुत ज़्यादा टेस्टी। अरे बच्चों को हमको लगता है कि उनको टेस्ट का पता है कि नहीं पता है, तो हम इसलिए बड़े दीदी से पूछ रहे हैं। अच्छा हो रहा है? चलो ठीक है, खाना भर पेट, ठीक है, जितना खा सकते हो खा लेना। आ गया। सो गाइस देखो, मैंने जो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया उसका थोड़ा सा बाहर का लुक खाने के लिए, कि बाहर जैसा पिज़्ज़ा लगे, मैं इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल रही हूँ, जैसे कि ऑरिगेनो एंड चिली फ्लेक्स। तो देखते हैं कैसा लगता है। और गाइस ये रियल में बहुत टेस्टी है, सॉस डाल कर तो कम से कम से मज़ा आ गया, बिना सॉस की गाड़ी चलती भी नहीं है। तो गाइस अभी देखते हैं, बच्चे तो ऐसे ही बोलते हैं। तमीज कहेंगी इतना बड़ा खा गई, ये भी डालना। सो गाइस ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करी। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अपने घर में बनाएंगे, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। सीजनिंग जरूर डालिएगा, इससे तो बाहर ज़्यादा पिज़्ज़ा की फीलिंग आ रही है बिल्कुल। सो मिलते हैं आपके नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।